फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मूँगफली और साबूदाने की खिचड़ी बनाने चल रहे हैं। तो हम इसमें बटर डाल दिए हैं, इसमें मूँगफली हम फ्राई कर लेते हैं। मूँगफली हमारी हल्की सी पक गई है, इसी में हम मखाना डाल देते हैं, इसको भी हम पका लेते हैं। इसमें काजू डाल दिए हैं, इसको भी थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, तो निकाल लेते हैं सभी चीज़ों को। हम निकाल लेते हैं, इसको सब फ्राई हो गया है हमारा। ये हम इसमें बटर डाल दिए हैं, इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। हमारा ब्राउन हो गया तो हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। इसको आप हफ्ते में भी बना के एक दो बार खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है, और व्रत में भी आप बना सकते हैं इसको। अभी हमने साबूदाना को हल्का भिगो लिया था 3-4 घंटे, तो ये फूल गया है हमारा, इसको भी हम भून ले रहे हैं इसमें। हम इसमें आलू को ऐड कर रहे हैं, ये आलू हमारी बॉयल हुई है, और ये टमाटर है छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। सभी चीज़ों को मिला दे रहे हैं हम। एक छोटा चम्मच इसमें हम गोल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। बंद कर, स्पीकर लगा। अब इसको हम मिला दे रहे हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद हम पानी इसमें डालेंगे। साबूदाना हमारा पहले से फूला हुआ है, तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, और आलू भी हमारी बॉयल है, पानी डाल देते हैं ताकि टमाटर वमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। ये हम आधा हमारा पक गया है, तो इसको भी अब हम डाल देते हैं ताकि साथ में पक जाए जो फ्राई किए थे मूंगफली मखाना। तो सभी चीज़ों को मिला के ढक दे रहे हैं, पक जाए हमारा। ये हमारी सभी चीज़ें पक गई हैं, तो इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये भूजा हुआ हमारा जीरा था, तो इसको हम पीस लिए हैं, इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद हम आधा इसमें नींबू डालेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ये रेडी हो गया है। ये देख लीजिए किस तरह, ये देखिए इस तरह हमारा बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं और हफ्ते में वैसे भी। और मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।